हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दृष्टि पीसीएस में। मैं हूं केवल आपके सामने। टारगेट 69th बीपीएससी 2023 के लिए करंट अफेयर रिवीजन सीरीज शुरू हो चुकी है। इसका पहला वीडियो आ चुका है और मुझे उम्मीद है कि आपने देख लिया होगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अब यहां पर एक मुख्य बात आपको जानना जरूरी हो जाती है कि हम पिछले एक साल का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं। पहले एपिसोड में हमने 2 महीने का करंट अफेयर कवर किया था, जो कि सितंबर अक्टूबर 2022 का था। उसमें हमने बिहार का करंट अफेयर भी कवर किया था और साथ में राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम जितने भी थे, यानी कि जिस उस 2 महीने में, चाहे वो राज्य का रहा हो, चाहे राष्ट्र का रहा हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कोई भी करंट अफेयर रहा हो, जितना भी प्रमुख करंट अफेयर था हमने कवर किया था। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर और दिसंबर की। और नवंबर दिसंबर 2022 का यह करंट होगा। तो यहां पर अब बात आती है कि इस तरह से दो दो महीने का हम करंट अफेयर कवर करके 6 एपिसोड में एक साल का करंट अफेयर कवर करेंगे, यानी कि अगस्त 2023 तक का करंट अफेयर आपकी परीक्षा के पहले आप तैयार कर चुके होंगे इस रिवीजन सीरीज के माध्यम से। तो यह रिवीजन सीरीज आपके लिए न सिर्फ राज्य विशेष के करंट अफेयर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। और चूंकि यह रिवीजन सीरीज है, तो मुझे उम्मीद है कि हम थोड़ी गति बढ़ा के, थोड़ी अपनी एक लय के साथ में आगे बढ़ेंगे, तो तैयारी और बेहतर होगी और आप अपनी तैयारी को अंतिम रूप भी दे सकेंगे। तो चलिए बिना कुछ देर किए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे अपने पहले सवाल, हाफ मैराथन का आयोजन, मैराथन का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया? पटना में किया गया, पटना में गांधी मैदान में किया गया। और यहां पर ब्रांड एम्बेसडर इसका किसको बनाया गया था? हिमा दास को बनाया गया था। हिमा दास असम की हैं, असम की ढींग गांव की हैं, इसी वजह से उन्हें ढींग एक्सप्रेस कहा जाता है। बहुत तेज गति से दौड़ती हैं और यही वजह है कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, यानी कि IAAF द्वारा 400 मीटर की जो रेस हुई थी उसमें उन्होंने गोल्ड जीता है अंडर 20 चैंपियनशिप में, यानी कि 20 साल के अंदर के लोगों के लिए यह प्रतियोगिता थी। उसके बाद देखें, फिल्म निर्माण क्षेत्र को उद्योग की तरह सब्सिडी कौन सा राज्य प्रदान करेगा? तो बिहार राज्य की तरफ से बात कही गई है कि फिल्म निर्माण अगर उनके राज्य में होता है और राज्य में उस फिल्म निर्माण के तहत यह देखा जाता है कि कुल शूटिंग अगर 75% से ज्यादा की शूटिंग पूरे फिल्म की उसी क्षेत्र में हुई है, यानी कि बिहार में हुई है, तो इस नई नीति के तहत राज्य सरकार क्या करेगी, उनके माध्यम से, यानी कि अपने प्रक्रियाओं के माध्यम से क्या देगी, साफ साफ देखिए, सब्सिडी देगी, जिससे कि फिल्म निर्माता की कुछ बचत हो जाएगी। तो यह भी अपने आप में एक लाभ की तरह है। लेकिन कौन से फिल्म है? हिंदी भाषा, भोजपुरी भाषा, मगही, मैथिली, अंगिका, वज्जिका भाषा में जो फिल्म बनेगी उसके लिए रहेगा, यह बात भी आपको पता होनी चाहिए। आगे देखिए, राष्ट्रीय पुलिस घुड़सवारी में बिहार ने कितने पदक जीते? 2 पदक जीते। 41वीं अखिल भारतीय राष्ट्रीय घुड़सवारी प्रतियोगिता हुई, इसमें गोल्ड मेडल जीता और एक कांस्य पदक जीता। 9 लोगों ने भाग लिया था, 9 जवान और 9 घोड़े, जिसमें से 2 जीते। अब आगे देखिए, यह पदक जो है माउंटेन मिलिट्री पुलिस आरा के घुड़सवारों और अश्वों ने जीता है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए राज्य के कौन से घुड़सवार हैं, कहाँ के हैं और किस इकाई से संबंधित हैं। आगे देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बिहार के किस जिले में 3,390 करोड़ रुपए की 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? देखिए, 2 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं हैं, लेकिन संबंध उनका किससे है? राष्ट्रीय राजमार्ग 922 से है। तो यहां पर 2 खंड हैं, एक खंड है कोइलवर से भोजपुर और दूसरा खंड है भोजपुर से बक्सर तक का। अब देखिए, इससे फायदा क्या होगा कि बिहार से लखनऊ होते हुए जिसे दिल्ली आना है, जिसको 15 घंटे का समय लगता था, अब वह सिर्फ 10 घंटे का समय लगेगा। यह इस खंड के तैयार होने से फायदा होगा। तो यह बिहार के लिए है, केंद्र सरकार के द्वारा किया गया कार्य। आगे देखिए, वज्रपात से बचाने के लिए किस राज्य में हूटर लगाया जाएगा? बिहार में हूटर लगाया जाएगा और शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तहत औरंगाबाद, पटना और गया जिले की बात कही गई है। और हूटर क्या होता है? देखिए, वज्रपात होने की कहीं भी अगर संभावना होती है तो उसके 40 मिनट पहले उस क्षेत्र में हूटर बज जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि वज्रपात हो सकता है। अब यह क्यों जरूरी है? देखिए, उसके पहले भी एक ऐप चल रही थी, ऐप का नाम था इंद्र वज्र ऐप, और यह वज्रपात होने के आधे घंटे पहले सूचना दे देती थी, इस ऐप के माध्यम से सूचना पहुंच जाती थी।
लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहां पर इस ऐप का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। तो ऐसे क्षेत्रों को कवर करने के लिए हूटर ज्यादा बेहतर लग रहा था, इस वजह से हूटर लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। आगे देखिए, बाल जलवायु पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है किसे? पटना के छात्र हैं, स्पर्श हैं। बाल जलवायु पुरस्कार यानी कि ऐसे बच्चे जो जलवायु के क्षेत्र में अपनी तरफ से कुछ नया सोच रहे हैं, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। किस संस्था के माध्यम से दिया जाता है? तो यह संस्था आपको पता होना चाहिए, स्वीडिश टेलगे एनजी नामक संस्था है और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में यह देती है। अब आगे देखें, एनटीपीसी के 48वें स्थापना दिवस समारोह के स्वर्ण शक्ति अवार्ड कार्यक्रम में बिहार के भागलपुर जिले के एनटीपीसी कहलगांव को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? देखिए, स्वर्ण शक्ति ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है। किसके द्वारा? जो 48वां स्थापना दिवस हुआ था एनटीपीसी का, उसके माध्यम से एनटीपीसी कहलगांव को मिला है। एनटीपीसी क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, देश में बिजली निर्माण करने के लिए सबसे बड़ी कंपनी है। अब यहां पे देखिए एक बात आती है कि यह स्वर्ण शक्ति ट्रॉफी किसे दिया जाएगा, यानी कि एनटीपीसी की ही किसी इकाई को दिया जाएगा, पर क्यों दिया जाएगा? तो यह स्वर्ण शक्ति ट्रॉफी सुरक्षा के मानकों को अच्छी तरह से पालन कर रही है उस क्षेत्र में, यानी कि एनटीपीसी कहलगांव में कोई दुर्घटना हो नहीं हुई है, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है, सब लोग सुरक्षित हैं, ये व्यवस्था इतनी अच्छी रही वहां की कि कोई भी समस्या नहीं आई, तो ऐसी स्थिति में स्वर्ण शक्ति अवार्ड दिया गया है। अब एनटीपीसी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, बिजली निर्माता कंपनी है सबसे बड़ी भारत की, 1975 में इसका स्थापना हुआ था और 48वां स्थापना दिवस इसका कुछ समय पहले दिल्ली मनाया गया था, पिछले साल की बात है। और सुरक्षा श्रेणी जैसे मैंने आपसे बताया, उसका संबंध किससे है? स्वर्ण शक्ति अवार्ड से। अब आगे देखिए, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? देखिए, मोबाइल ऐप का लॉन्च क्या है? हायरिंग मोबाइल ऐप। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से क्या होगा? सवाल को एक बार फिर से देखिए, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना, कृषि से जुड़े हुए जो संयंत्र है, ट्रैक्टर भी जैसे मान लीजिए उसी में आ जाता है जुताई के काम के लिए, उसी के अलावा अन्य जो भी कृषि से जुड़े हुए यंत्र हैं उनकी बुकिंग हो सकेगी, यानी कि उन्हें किराए पर लेने के लिए एक ऐप है, और आप ऑनलाइन ऐप के माध्यम से किराए पर ले लीजिए। कोई छोटा किसान है जिसके पास बहुत बड़ा खेत नहीं है, जिसके वक्त अलग से ट्रैक्टर खरीदे उसको कुछ समय के लिए ही जरूरत है, तो किराए पर लेगा और यह किराए की सुविधा उसको यहां से मिलेगी। अब आगे देखिए, 13 नवंबर 2022 को पटना में भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा का अनावरण बिहार के मुख्यमंत्री ने किया? तो बिहार के मुख्यमंत्री ने जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी क्या की? अनावरण, प्रतिमा का अनावरण किया। अब आगे देखिए, बिहार में विधवाओं के आर्थिक संकट को दूर करने की दिशा में किस योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना का। सवाल को एक बार फिर से देखिए, बिहार में विधवाओं के मतलब बिहार के विधवाओं से संबंधित है आर्थिक संकट को दूर करने के लिए, जो विधवाएं हैं जिनके पति नहीं है और उनके सामने आर्थिक समस्या आ सकती है, उस संकट को दूर करने के लिए लक्ष्मीबाई सोशल सिक्योरिटी योजना चलाई जा रही है राज्य सरकार के द्वारा। हर महीने 400 रुपए इसमें पेंशन दिया जाएगा और यह तब दिया जाएगा कि ऐसा परिवार हो जिसमें जो महिला है उसके पति का स्वर्गवास हो गया हो, और दूसरी बात कि उस परिवार की जो मासिक आय है, मासिक आय याद रखिएगा 60,000 रुपए से कम की हो, सालाना आय की बात हो रही है, सालाना आय, मासिक आय नहीं। आगे देखिए, तो दो बातें हैं और उम्र की बात भी याद रखिएगा। हाँ, एक आता है सालाना आय, तो 60,000 आपको पता चल गया, एक उम्र की बात, उम्र कितना होना चाहिए? उम्र देखिए होना चाहिए 18 वर्ष से अधिक। क्यों? क्योंकि जो महिलाएं हैं उनके विवाह की उम्र तो 18 वर्ष ही है, कन्याओं की विवाह की उम्र 18 वर्ष, अगर 18 वर्ष से कम की है तो अपने आप में तो ये गलत है, तो उन्हें कैसे मिल जाएगा स्कीम का लाभ, और ये होना भी नहीं चाहिए। आगे देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के किस नर्स को नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान, नाम क्या है सम्मान का, ये देखिए, फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड, इससे संबंधित है, नर्सिंग के क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान है ये, किसे दिया गया है? नाजिया परवीन को। किसने दिया है? भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, यह बात आपको पता होना चाहिए। और इसकी शुरुआत कब हुई थी इस सम्मान की? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 1973 में इसे शुरू किया गया था। आगे की बात आती है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में बिहार का कौन सा शहर शीर्ष पर है?
तो शीर्ष पर कौन सा है? पटना है, याद रखिएगा। प्रदूषण के मामले में देखिए, बिहार के किस जिले में 11 लाख मिट्टी के दीयों से श्रीराम द्वारा ताड़कावध की पेंटिंग बनाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया? बक्सर में ताड़कावध की पेंटिंग बनाई गई किसके माध्यम से? 11 लाख मिट्टी के दीयों के माध्यम से। थोड़ी सी चीजें समझ लेते हैं जिससे तथ्य आपको आसानी से याद रहे। जो ताड़का थी जिसका वध किया श्री राम ने राम कथा के अनुसार, तो वह क्षेत्र था सुंदरवन। वह ताड़का की उपस्थिति थी और उसकी उपस्थिति के चलते उसका नाम कुछ लोग ताड़का वन भी आगे चल के कहने लगे। तो उस सुंदरवन में अगस्त ऋषि रहते थे और जो अगस्त मुनि थे, उन अगस्त मुनि को मारीच बहुत परेशान करता था। मारीच कौन था? ताड़का का पुत्र था और इसके पिता थे सुंद। तो श्राप मिला इन्हें अगस्त मुनि से, मारीच को, और सुंद को भी दिक्कत हुई। सुनि को देहावसान हो गया, मृत्यु हो गई, और उसके बाद मृत्यु होने के बाद मारीच वहां से भाग गया। और उसके बाद इससे काफी गुस्सा हो गई ताड़का और उसने कहा कि वह अगस्त मुनि के आश्रम को नष्ट कर देगी, अगस्त मुनि को नहीं छोड़ेगी। और उसके बाद फिर विश्वामित्र राम जी को लेके आते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है? ताड़का वध होता है। तो ये एक कहानी है जो आपको पता होना चाहिए कि आखिर ताड़का वध क्या है, ताड़का वध क्या है। तो ये जो पेंटिंग बनी है इसका एक महत्व है, वो आप समझ गए हैं क्या है। अब आगे देखिए चर्चा में रहा कजरा सोलर पावर प्लांट बिहार के किस जिले में है? तो लखीसराय में है, पता होना चाहिए। क्या नाम है? कजरा सोलर पावर प्लांट। सीधे सवाल आ सकता है। आगे देखिए टोक्यो जापान में आयोजित पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022। देखिए पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात हो रही है, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात नहीं हो रही है, पैरा लगा हुआ है। अब आगे देखिए बिहार के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? प्रमोद भगत ने। किसमें? खेल का नाम तो समझ गए, बैडमिंटन है। इनको बहुत कम उम्र में पोलियो हो गया था, पोलियो की वजह से यह विकलांग हो गए थे और उसके बाद फिर अब इनमें जोश और जुनून देखिए ऐसा है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीत चुके हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि किसी असमान व्यक्ति के साथ प्रतिस्पर्धा होगी, एक समान तरह के लोगों की ही आपस में प्रतिस्पर्धा होती है। तो पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में जैसी स्थिति इनकी थी वैसे इनके प्रतिद्वंदी की थी, तो उसमें इन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। बिहार सरकार ने दक्षिण बिहार में जल संकट से बचाव के लिए किसके माध्यम से जल संरक्षण की योजना बनाई है? गारलैंड ट्रेंच। इसका मतलब क्या है? देखिए जो उत्तरी बिहार है वहां पे पानी की समस्या उतनी नहीं जितनी दक्षिणी बिहार में है, और दक्षिणी बिहार में इस जल की कमी को दूर करने का प्रयास करने के लिए गारलैंड ट्रेंच बनाया जाएगा। इसका मतलब जो वर्षा का जल है उसे एक खास जगह पर इकट्ठा करने के लिए ट्रेंच बनाया जाएगा जिससे वह जल उपयोग में आ सके। आगे देखिए किस राज्य ने हर जिले में भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा की है? बिहार राज्य ने भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा की है। भूकंप क्लिनिक खुलेगा तो क्या होगा? कोई अपना मकान बनाना चाहता है तो वहां पे जाए, वहां पे सलाह ले कि मकान को किस तरह से बनाए कि मकान को नुकसान ना पहुंचे। आपको पता होना चाहिए जो बिहार का अधिकतर क्षेत्र है वह सिस्मिक 4 जोन में है, जो अपेक्षाकृत देखा जाए तो 2-3 से ज्यादा खतरे की स्थिति में है। अब आगे देखते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी के स्मारक का निर्माण किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा? मुजफ्फरपुर में। अब हो सकता है शायद कर भी दिया गया हो, पिछले साल की बात है। अब यहाँ पे एक बात आप जानिए, राम वृक्ष बेनीपुरी, यहाँ पर इनकी रचनाएं आपको दिख रही हैं, साहित्यकार थे। यहाँ पे जो बेनीपुरी लगा हुआ है, बेनीपुरी क्यों आया? क्योंकि मुजफ्फरपुर में इनका गाँव है और गाँव का नाम क्या है? बेनीपुर, उसी से बना राम वृक्ष बेनीपुरी। बागमती बांध के किनारे, बागमती जो नदी है उसके बांध के किनारे यह स्मारक बनाया जा रहा है और इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए, माटी की मूर्तें, चिता के फूल, गेहूं और गुलाब आदि। पहले भी मैंने एक बार आपसे कराया था, ये चीजें बताई थी। बिहार के किस जिले में कार्गो टर्मिनल का निर्माण कराया जाएगा? भागलपुर के अकबर नगर में, याद रखिएगा किसका? कार्गो टर्मिनल का। आगे देखिए बिहार के किस जिले में टेक्सटाइल पार्क का निर्माण कराया जाएगा? गया में कराया जाएगा, बिहार में। टेक्सटाइल पार्क मतलब कपड़ों से जुड़ा हुआ पार्क रहेगा, जहां पे कपड़े बनेंगे का उत्पादन होगा, फिर उसके लिए उसको बेचने के लिए बाहर लेके जाया जाएगा, उसके लिए पूरी एक व्यवस्था रहेगी, पूरी यूनिट में बहुत सारे काम होंगे, बहुत सारी तकनीकी का इस्तेमाल किया जाएगा और एक सही तरीके से व्यवस्था रहेगी जिसको निर्यात के लिए फिर आगे बेचने के लिए या निर्यात के लिए आगे लेकर जाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए महाराष्ट्र और तमिलनाडु की तर्ज पर किया जाएगा यह विकास। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इस तरह के टेक्सटाइल पार्क पहले से मौजूद हैं। अब आगे देखिए बिहार के खादी हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किस ब्रांड, किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? देखिए सवाल को फिर से देखिए, बिहार की बात हो रही है, ठीक है, पूरे देश की नहीं। खादी हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किसे बनाया जाएगा, ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है?
लोक गायिका मैथिली ठाकुर को, ठीक है, याद रखिएगा, मिथिला की हैं। पैरा इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार के किस खिलाड़ी ने पदक जीता है? फिर से देखिए, पैरा आया, पैरा इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में अभी हाल ही में उमेश विक्रम ने खिताब जीता है। कहां से पदक जीता है? पेरू की राजधानी लीमा में आयोजन हुआ था। सीतामढ़ी जिले के निवासी हैं। प्रमुख बातें हैं ये आपको कम से कम पता होनी चाहिए। एक नाम आपके सामने बहुत पहले आया होगा, फिर से याद करते हैं, काशी तमिल संगमम। क्या है काशी तमिल संगमम? वाराणसी में हुआ था इसका आयोजन। उद्देश्य क्या था? जो भारत के इतिहास हम देखें तो हिंदी और तमिल भाषी लोग, एक तरफ काशी में हिंदी भाषी, उसके बाद देखें तमिलनाडु में तमिल भाषी लोग, तो इन दोनों के लिए एक संगमम शब्द का इस्तेमाल किया गया। काशी तमिल संगमम अपने आप में एक महोत्सव की तरह, यानी कि दोनों भाषाओं के, दोनों संस्कृति के लोग अपने ज्ञान के आदान प्रदान के लिए इस महोत्सव के माध्यम से मिल सके, उसमें एक कनेक्शन बन सके, एक जुड़ाव हो सके। संगम का अर्थ देखिए, यानी क्या, संघ, परिषद, गोष्ठी अथवा संस्थान, तो दोनों तरफ के लोग आपस में मिलेंगे तो यही सारी चीजें तो बनेंगी। तो संगम प्राचीन काल में जो तमिल कवि थे, विद्वान थे, आचार्य थे, बुद्धिजीवी थे, उनकी एक परिषद थी, तो उसी से यह शब्द लिया गया है, संगम से संगमम। ठीक है, अब आगे देखिए, दीनानाथ शरण सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया डॉक्टर रामदयाल राकेश। ठीक है, क्यों किया गया? देखिए, हिंदी और नेपाली साहित्य में के अध्यक्ष और साहित्यकार रहे हैं, साहित्य सम्मेलन की बात हो रही है। अब यहां पे आगे देखिए, जो इन्हें पुरस्कार मिलता है वह बदल सकता है। पुरस्कार कितना है वह जरूरी नहीं है, पुरस्कार के ऊपर महत्वपूर्ण यह होता है कि कौन सा पुरस्कार है, तो हमें जानना जरूरी होता है। कुछ पुरस्कार का हम कितनी राशि ना भी जाने फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कुछ प्रमुख पुरस्कार हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या मिलता है। भारत रत्न पुरस्कार में क्या मिलता है, जो वीरता पुरस्कार है उसमें क्या मिलता है, अन्य जो पद्म अवार्ड है उसमें क्या मिलता है, प्रमुख खेल पुरस्कार है उसमें क्या मिलता है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। अगर अभी तक नहीं देखी तो एकदम पता कर लीजिए, कब से शुरुआत हुई, उसमें क्या क्या मिलता है, चीजें, धनराशि मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है, क्या क्या चीजें मिलती है, बिल्कुल पता होना चाहिए स्पष्ट तरीके से। आगे देखिए, दिसंबर 2022 में भारत की कितनी साइट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है? तीन। कौन कौन सी है? पहली देखिए, गुजरात में स्थित प्रतिष्ठित मोढ़ेरा का सूर्य मंदिर, मोढ़ेरा सूर्य मंदिर बोलते हैं, उसके बाद गुजरात का ऐतिहासिक वडनगर, और तीसरा है त्रिपुरा में ऊनाकोटी की रॉक कट मूर्तियों की रेंज है, मतलब एक पूरी श्रृंखला है। उसके बाद देखिए, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की टेंटेटिव लिस्ट है वह कौन होती है? जिसको कोई देश चाहता है, ऐसे स्थान को जिसको देश चाहता है कि यह हमारे देश की एक और वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाए, तो जब वह चाहता है देश कि इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया जाए, तो पहले वह टेंटेटिव लिस्ट में जाती है, उसके बाद आगे की प्रक्रियाओं के बाद वह मुख्य सूची में शामिल होती है। अब आगे देखते हैं, 2023 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे कौन थे? देखिए, मिस्र के राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा, ऐसा मत सोच लीजिएगा कि प्रधानमंत्री थे। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी, या अब्दुल फतेह भी बोल देते हैं, नाम अलग अलग है। कोविड-19 महामारी के कारण 2021-22 से मुख्य अतिथि को आमंत्रित नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? आपको पता है कोविड-19 के कारण यह प्रमुख बात है। और जो सबसे पहले व्यक्ति जिन्हें गणतंत्र दिवस समारोह में बुलाया गया था, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो थे, यह भी आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, 41वां भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला जहां आयोजित किया गया, नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजन हुआ था। इसकी थीम क्या थी? वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल, यानी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दिया जाए। दोनों लाइनों से यही बात हमें समझ में आ रही है, इसकी थीम यही थी। अब यहां पे कुछ प्रमुख बातें हैं इस मेले से जुड़ी हुई। देखिए, अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला कहा है, यानी कि बहुत सारे देश इसमें, इस मेले में जुड़े होंगे, व्यापार से जुड़ा हुआ मेला है। कितने देश थे? लगभग 12 देश थे। और इन 12 देशों में के अंदर पहले हम भारत की ही बात कर लें, तो बिहार, झारखंड एवं महाराष्ट्र इस मेले के साझेदार राज्य के रूप में जाने गए। उसके बाद जो आकर्षक का, विशेष आकर्षण वाला जो राज्य रहा इस बार, तो वह था उत्तर प्रदेश और केरल। जो 12 देश है उनके नाम देख लीजिए एक बार, आपको पता होना चाहिए। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बहरीन, बेलारूस, ईरान, नेपाल, थाईलैंड, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन सहित कुल कितने हो गए? 12 देश। ठीक है, ये सब मिला के 12 देश हैं। आगे देखिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने साइबर क्षेत्र में महिलाओं और लड़कियों को डिजिटल रूप से सशक्त व कुशल बनाने हेतु एक अखिल भारतीय परियोजना शुरू किया है। डिजिटल शक्ति 4 परियोजना शुरू हुई है। तो यह डिजिटल शक्ति 4 परियोजना किससे संबंधित है? देखिए, महिलाएं वर्चुअल वर्ल्ड में, साइबर स्पेस में उनके साथ कोई
परेशान कर रहा है उन्हें, कोई स्टॉक कर रहा है, कोई बुली कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है, धमका रहा है, डरा रहा है, कोई भी ऐसा काम कर रहा है जो कि अपने आप में एक अपराध की तरह दिखाई देता है और ठीक नहीं लगता है। तो ऐसे में महिलाओं को क्या करना चाहिए, उनके पास क्या क्या अधिकार हैं, वह सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, इस अभियान के माध्यम से उन्हें बताया जाता है, जागरूक किया जाता है। तो डिजिटल शक्ति अभियान की शुरुआत जून 2018 में हुई थी और यह क्या है, डिजिटल शक्ति पोर, ठीक है। आगे देखिए, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की ऊंचाई कितनी है, 108 फीट है। नाद प्रभु कैंपे गोड़ा की कांस्य निर्मित मूर्ति है, आपके सामने है पूरी की पूरी प्रतिमा, कितनी है, 108 फीट। और ये है कौन, देखिए ये है नाद प्रभु कैंपे गोड़ा। कहा जाता है 16वीं शताब्दी के दौरान विजयनगर साम्राज्य के एक शासक थे, कुछ लोग इसमें सामंत इन्हें कहते हैं। यहां पर एक बात आपको पता होना चाहिए, ये जो कैंपे गौड़ा है, कहा जाता है कि जो बेंगलोर है उसकी स्थापना का श्रेय इन्हें ही दिया जाता है, कर्नाटक। अब यहां पे इनकी जो तलवार है, 4 टन की है, ये सब ठीक है, कांस्य से निर्मित है, ऊंचाई 108 है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था, तो यह सवाल का जवाब होगा राम वंजी सुतार के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। हमारे देश में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, उस प्रतिमा का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा कराया गया था, जो गुजरात में है। इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ये बात भी आपको पता होगी। अब आगे देखते हैं, 42वें विधि आयोग के अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी, विधि आयोग के अध्यक्ष हैं, किस नंबर के, 42वें। उसके बाद बिहार की प्रथम महिला पर्वतारोही एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंची लक्ष्मी झा पहुंची हैं, ठीक है, पहली है बिहार की महिला। 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहां आयोजित किया गया, गोवा में आयोजित किया गया। शुरुआत कब हुई थी, 1952 में, पहले हर वर्ष नहीं होता था, लेकिन 1975 से वार्षिक तौर पर इसका आयोजन किया जाने लगा। और इस बार सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार स्पेनिश फिल्म निर्देशक किसे मिला है, कार्लोस सौरा को मिला है, पूरा नाम क्या है, कार्लोस सौरा। और जो स्पॉटलाइट वाला देश, हर बार एक कोई देश होता है जो स्पॉटलाइट में होता है, इस बार कौन सा है, इस बार है फ्रांस। अगला सवाल देखिए, G20 2023 की थीम क्या है, G20 2023 की थीम है वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित है, इस पर आधारित है तो है क्या, इस पर आधारित है तो आपके सामने देखिए, G20 का लोगो भारत के प्रधानमंत्री ने ही लॉन्च किया था, क्यों किया था, क्योंकि इस बार G20 की अध्यक्षता भारत के हाथों में है और यह पहली बार हो रहा है, जो सारे G20 राष्ट्र के प्रमुख हैं उन सब की पहली बार जो सम्मेलन होगा भारत की अध्यक्षता में होगा, और भारत में ही होगा, दिल्ली में ही होगा। देखिए ये लोगो है G20, इस तरह से लिखा हुआ है, यहाँ पे ग्लोब की जो पूरी पृथ्वी बनी है उसके नीचे कमल की पत्तियां हैं, उसके अलावा आप देखेंगे तो भारत देवनागरी में, फिर 2023, फिर इंग्लिश में इंडिया लिखा हुआ है, फिर वसुधैव कुटुंबकम लिखा हुआ है, और उसके आगे वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ये इसकी थीम है, ठीक है, वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, आपको पता होना चाहिए। इसके बाद देखिए, सारी प्रमुख बातें तो मैंने आपसे बता ही दी थी, 200 बैठकें होंगी 32 शहरों में, सारी की सारी कहां होंगी, भारत में ही होंगी, भारत के ही सारे शहर हैं। अब आगे की बात आती है, ग्लोबल टीवी रिपोर्ट 2022 किस संस्था ने जारी की, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी किया, वर्ष 1948 में इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और यहां पर मुख्य बात यह है कि इस रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि इस एक खास समय में इस जगह पर इस देश में कितने ऐसे लोग थे जो ट्यूबरकुलोसिस से प्रभावित थे। अब आगे देखिए, विनिंग द इनर बैटल ब्रिंगिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यू क्रिकेट पुस्तक के लेखक हैं, इसके लेखक हैं शेन वॉटसन, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं, बैटिंग बॉलिंग सब कर लेते हैं। आगे देखिए, स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इन 2022 की रिपोर्ट जारी की जाती है विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा, इस रिपोर्ट में पता चला, इस वाली रिपोर्ट में स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट इन 2022 में कि पिछले 8 साल में सबसे ज्यादा गर्मी देखने को मिली है, सबसे गर्म साल था। उसके अलावा यह भी कहा गया है ग्रीन हाउस गैसें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और पिछले 8 सालों में काफी ज्यादा बढ़ी हैं, और पिछले 30 साल में 1993 से अभी तक में अगर देखें तो समुद्र का जल स्तर जो है वह काफी ज्यादा बढ़ा है। इसके अलावा आगे देखते हैं, 6 दिसंबर 2022 को भारत किस देश के साथ मैत्री दिवस की 51वीं वर्षगांठ मनाई, बांग्लादेश के बनाए साथ मनाई किसकी, मैत्री दिवस की इंक्या, अब ये मैत्री दिवस क्या है पहले ये समझिए। दरअसल 1971 में
बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ। बांग्लादेश को मान्यता देने वाला जो देश भारत है, भारत ने बांग्लादेश को एक देश के रूप में मान्यता 6 दिसंबर को ही दी थी। तो इसी 6 दिसंबर को मार्च 2021 में निर्णय लिया गया कि मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट 2022 जारी की है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने, और इसने बताया है कि 2025 में ग्लोबल इमिशन चरम पर होगा। ग्लोबल इमिशन मतलब कार्बन उत्सर्जन करने वाले जितने भी ईंधन हैं, इनका उपयोग इतना ज्यादा होगा जितना पहले कभी नहीं हुआ। 2025 में सबसे ज्यादा होगा, और पहली बार यह रिपोर्ट आई थी वर्ष 1998 में, और अपने आप में यह रिपोर्ट जो है प्रकाशित होती है, जो एनर्जी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा सबसे ज्यादा भरोसेमंद रिपोर्ट है। किस मामले में? ऊर्जा के उपयोग के मामले में, जो ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है, जो ईंधन का उपयोग किया जा रहा है, उसके सबसे बेहतर रिपोर्ट इसी वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट से पता चलती है। AWS कोटा के तहत गरीब सवर्णों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। यह तो बहुत पहले हो चुका था, अभी खबर में क्यों है? क्योंकि इस पर कुछ याचिकाएं लगाई गई थी, और उसके बाद देखिए इस पर एक फैसला आया, संविधान पीठ का फैसला आया कि यह आरक्षण बना रहेगा। 10% का आरक्षण तो दिया जा रहा था। यूयू ललित के द्वारा यह दिया गया फैसला। अब जो यूयू ललित हैं, 39वें CJI थे, ये आपको पता होगा। अभी कौन है? DY चंद्रचूड़ है, ये भी आपको पता होगा। तो यूयू ललित के बाद DY चंद्रचूड़ अभी बने हैं, लेकिन पिछले साल की एक खबर है, इसलिए हमें यूयू ललित का जिक्र करना पड़ रहा है कि उनकी अध्यक्षता में 5 जजों की एक पीठ बनी थी, संविधान पीठ बनी थी 5 जजों की, जिसमें से 3-2 से यह फैसला लिया गया कि जो EWS कोटा गरीब सवर्णों को आरक्षण की बात जो कही गई है 10% की, 103वें संविधान संशोधन के तहत यह 103वां संविधान संशोधन ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसे रद्द नहीं करने की जरूरत है, इसे आगे जारी करने की मुहर लगा दी गई है। तो अब यहां पे संविधान पीठ एक शब्द आता है, इसको समझ लीजिए। देखिए कहीं पे संविधान की व्याख्या से जुड़ा हुआ मामला हो, या कहीं पे राष्ट्रपति ने सलाह मांग ली हो न्यायालय से, सर्वोच्च न्यायालय से, या तो कहीं पे 2-3 जजों के द्वारा मिलकर के ऐसा फैसला दे दिया गया हो जो किसी और फैसले से कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा हो, अलग अलग हो रहा हो, तो ऐसे में उस मामले को एक संविधान पीठ के द्वारा सुलझाया जाता है। तो इन सब परिस्थितियों में संविधान पीठ होती है, कम से कम 5 लोगों की संविधान पीठ होती है, या अगर 2 लोगों की एक पीठ है तो उसे संविधान पीठ नहीं कहेंगे, उसे डिविजनल बेंच हम कह देते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया, किसे चुना गया? यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की को। अब आपको पता होगा यूक्रेन और रूस की लड़ाई पिछले साल से काफी समय से चल रही है, और यह लड़ाई अभी तक नहीं रुकी है। इसी वजह से, चूंकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात को, अपने देश के पक्ष को बहुत ही शानदार तरीके से रखा है, ऐसा कहते हुए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर ने इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर बनाया है, यानी टाइम पत्रिका ने बनाया है, मैगजीन ने बनाया है। तो अब यह जो टाइम मैगजीन है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि इसके द्वारा पर्सन ऑफ द ईयर चुनने की शुरुआत वर्ष 1927 से शुरू हुई थी। ठीक है, तो यह आपको पता होना चाहिए। वार्षिक प्रकाशन इसका टाइम पर्सन ऑफ द ईयर का होता है, यानी कि हर साल एक, जैसे इसके पहले एलन मस्क थे, उसके बाद अब ये हुए। भारत का पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट लॉन्च किया गया, विक्रम-S। किस प्रकार का है? निजी क्षेत्र का है, यानी कि इसरो के द्वारा नहीं किया गया है। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, जो कि 18 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया। हैदराबाद की कंपनी है, स्टार्टअप कंपनी है, नाम याद रखिएगा। स्काई रूट के माध्यम से विक्रम-S को लॉन्च किया गया है। अब विक्रम कौन है? विक्रम साराभाई के नाम पर, भारत के महान वैज्ञानिक। ठीक है, अब आगे देखिए। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कहां पर है? रानीपुर टाइगर रिजर्व है, उत्तर प्रदेश में है, चित्रकूट जिले में, पता होना चाहिए आपको। इसके अलावा 3 टाइगर रिजर्व और है उत्तर प्रदेश में, कुल टाइगर रिजर्व तो 53 है। ठीक है, जिसमें से 4 यूपी में है, एक तो रानीपुर टाइगर रिजर्व हो गया, उसके अलावा कौन है? दुधवा, पीलीभीत और अमनगढ़। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन शिखर सम्मेलन COP27 किस देश में आयोजित किया गया? तो देखिए मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित किया गया। नाम क्या है? COP27। ठीक है, अब COP27 आयोजित किया गया है मिस्र के शर्म अल शेख में,
28वां कहां आयोजित किया जाएगा? यूएई में, दुबई में किया जाएगा। आगे की बात है, अभी हम 27 पे वापस आ जाते हैं। देखिए 27 वाले में यह हुआ, एक समझौता नहीं हो पाया, वह था जीवाश्म ईंधन जो फॉसिल फ्यूल है उसके उपयोग को खत्म करने के लिए एक लक्ष्य का समझौता नहीं हो पाया। लेकिन एक हुआ, लॉस एंड डैमेज फंड बनाने पर सहमति बनी है। अब ये लॉस एंड डैमेज फंड क्या है? देखिए दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे थे, एक समय था जो बहुत तेजी से विकास कर रहे थे और जो देश थे वो नहीं कर रहे थे। बहुत देश ऐसे थे जो बहुत सारी ऊर्जा का उपयोग कर रहे थे, बहुत सारे ऐसे ऊर्जाओं का जैसे कार्बन उत्सर्जन होता है, जलवायु परिवर्तन हो रहा था, जिनकी वजह से उन्होंने इतना सारा उपयोग किया, और बहुत देश ऐसे थे जो उनके ही गुलाम थे, तो क्या करेंगे, वो उपयोग नहीं कर पा रहे थे संसाधनों का, अपने लिए तो कम से कम नहीं कर पा रहे थे, तो उनका नुकसान हुआ। इस पूरी पृथ्वी में कुछ ही लोगों ने लाभ के लिए संसाधनों का अधिकतम दोहन किया, खूब सारा किया, लेकिन सबने उतना लाभ प्राप्त नहीं किया। अब उसका नुकसान तो सबको बराबर झेलना पड़ रहा है, लेकिन फायदा किसी एक को मिला, कुछ को मिला। तो ऐसी स्थिति में जिन्हें नुकसान हुआ, जो गरीब देश हैं विशेषता, उनके लिए लॉस एंड डैमेज फंड बनाने की बात कही गई है। अब यहां पे आपको थोड़ी सी और बात समझनी होगी। जो सुल्तान अहमद अल जबेर हैं वो 28 वाले के लिए अध्यक्षता करेंगे, COP28 के लिए। अब UNFCCC के लिए निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है कॉप। अब यहां पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसे बोलते हैं, कॉप को, COP। अब ये बात आपको समझना जरूरी है, UNFCCC क्या है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क सम्मेलन। यह एक संधि है दुनिया भर के बहुत सारे देशों की, अभी वर्तमान में 198 देश इसके सदस्य हैं। अब इन देशों के द्वारा कॉप बना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जो निर्णय लेती है जलवायु परिवर्तन से, में जो मानव हस्तक्षेप जो परिवर्तन हो रहा है, मानव हस्तक्षेप के माध्यम से जो परिवर्तन हो रहा है उसे रोकने के लिए यह कॉप अपनी मीटिंग करती है, हर साल होती है, हर साल इनकी बैठक होती है। जैसे COP28 की बात, फिर अगली बार क्या होगी, COP29 होगी। तो पहली बार यह बैठक कब हुई थी कॉप की? 1995 में हुई। वर्ष 2022 में गांधी मंडेला पुरस्कार प्रदान किया गया दलाई लामा को। अब देखिए नाम क्या है, गांधी मंडेला पुरस्कार। दोनों ऐसे लोग हैं जो सत्याग्रह पर विश्वास करते हैं, अहिंसा पर विश्वास करते हैं, लेकिन इस पर विश्वास नहीं करते हैं कि चुप रहा जाए, शांति पर विश्वास करते हैं लेकिन चुप्पी पर नहीं। इस बात को ध्यान में रखते हुए गांधी मंडेला फाउंडेशन का एक एनजीओ है, उसके माध्यम से महात्मा गांधी और नेल्सन मंडेला के विचारों के आगे बढ़ाने वाली शख्सियत को यह पुरस्कार दिया जाता है। और वर्ष 2022 के लिए किसे मिला है, तो आपको पता चल गया, दलाई लामा। अब आगे देखिए, यह शुरू कब हुआ, तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि महात्मा गांधी की 150वीं जयंती कब थी। अब यह याद, हर चीज याद करने वाली नहीं होती है। अगर आपको महात्मा गांधी का जन्म पता है कब हुआ था, तो आगे की चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है, यह बात भी पता होना चाहिए, लेकिन आगे देखते हैं। वर्ष 2022 से मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया शरत कमल अचंता को। खेल का पुरस्कार है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, किस वर्ष के लिए है, वर्ष 2022 के लिए, और यह खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है, और यह जो पुरस्कार है भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान इसीलिए कहा जाता है। और पहले इसका नाम क्या था, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सम्मान था 2021 तक के लिए, फिर उसके बाद नाम बदल गया और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार इसका नाम रख दिया गया। और वर्तमान में कितनी नगद पुरस्कार राशि दी जाती है, मैंने पहले भी कहा था कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार होते हैं जिसमें पता होना चाहिए, 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, पदक और प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह धनराशि जो है यह भी बदलती रहती है, पहले कम थी, वर्तमान में भी कितनी है, 25 लाख रुपए। अब यहां पे जिन्हें मिला है शरत कमल अचंता को, उनके बारे में जान लेते हैं। ये जो है सीनियर नेशनल चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं, और कब तक के लिए, देखिए 10 बार सीनियर नेशनल चैंपियन बने हैं, 10 बार। अगर साल में एक बार आयोजन हो रहा तो 10 साल में 10 बार हुआ होगा, या जितनी बार में जितनी बार हुआ हो, एक साल में जितना हुआ हो। तो यहां पे देखिए आपको पता होना चाहिए कि शरत कमल अजंता अगर पूछ लिया जाए किस खेल से संबंधित है, तो आप बता देंगे तुरंत, टेबल टेनिस से। आगे देखिए, साखारोव फ्रीडम प्राइज 2022 दिया गया यूक्रेन के लोगों को। अब यूक्रेन के लोगों को क्यों दिया गया, इसका संबंध किससे, ये समझिए। यह जो सखारोव फ्रीडम प्राइज 2022 है, सखारोव फ्रीडम प्राइज क्या है पहले ये समझ लीजिए, फिर 2022 देखते हैं। यूरोपीय संघ का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, यूरोपीय संघ के द्वारा, यूरोपीय संघ के देश हैं उनके द्वारा, यूरोपीय संघ के देश हैं उनका ही एक संघ है। अब इस संघ के द्वारा एक पुरस्कार है, यह पुरस्कार दिया गया है 2022 का यूक्रेन के लोगों को। किस लिए दिया गया है, क्योंकि यूक्रेन के लोग इस वक्त
एक युद्ध के बीच में खड़े हुए हैं, और उनकी जिजीविषा के लिए यह पुरस्कार उन्हें दिया गया है। और इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1988 में हुई थी। आगे देखिए, फीफा फुटबॉल विश्व कप का विजेता राष्ट्र है, पिछले साल हुआ था फीफा फुटबॉल विश्व कप, कौन है विजेता? अर्जेंटीना है। किसे हराया था उसने फाइनल में? फ्रांस को। और कितनी बार अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अर्जेंटीना ने फीफा फुटबॉल विश्व कप जीता है, तो आप कहेंगे वर्ष 1978, 1986 और 2022, 3 बार जीता है। अब इस मैच के बाद कुछ और चीजें प्राप्त हुई, वो आपको पता होना जरूरी है। जैसे कि गोल्डन बूट किलियन एम्बापे को मिला, फ्रांस के खिलाड़ी हैं, जिसने सबसे ज्यादा गोल किया होगा, सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी को यह पुरस्कार मिलता है। तो कौन हो गए? किलियन एम्बापे, गोल्डन बूट। उसके अलावा गोल्डन ग्लोव एमिलियानो मार्टिनेस, उसके बाद गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी। अब इनका संबंध किससे है? यही विजेता टीम अर्जेंटीना से। इन्हें कौन सा पुरस्कार देखने मिला है? गोल्डन बॉल। गोल्डन बॉल उसे मिलता है जो सबसे अच्छा खिलाड़ी रहा हो पूरे इस टूर्नामेंट के दौरान, उसे दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को। उसके बाद देखिए, युवा खिलाड़ी एंजो फर्नांडिस और फीफा फेयर प्लेयर अवार्ड इंग्लैंड देश को मिला है। अब आगे देखिए, ब्रिटेन के पहले भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति हैं, ये नाम आपको बिल्कुल पता होगा, ऋषि सुनक है। 42 वर्ष की उम्र में ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए। और इनका संबंध किस पार्टी से है? तो आपको पता होना चाहिए, ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी से। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है 2022 का? होमर शब्द है। इस होमर शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने दिया है। इसको एक खास समय में 75,000 लोगों ने पिछले साल सर्च किया, मई के पहले। अब यहां पे आपको पता होना चाहिए कि एक पजल गेम था वर्डल, उससे यह प्रेरित शब्द था। और यह शब्द वहां पे कैसे आया? देखिए, जो बेसबॉल एक खेल होता है, बेसबॉल, वहां पर होम रन के लिए एक अनौपचारिक अमेरिकी शब्द था। अनौपचारिक था मतलब कहीं इस्तेमाल नहीं होता था, कहीं चर्चा नहीं होता था। बेसबॉल ने जो लोग खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं उन्हें इस शब्द के बारे में अंदाजा नहीं था, और यह भी अनौपचारिक था, औपचारिक नहीं था, लेकिन यह चर्चा में आया। उसके बाद सर्च किया गया, और सबसे ज्यादा सर्च कैम्ब्रिज डिक्शनरी में किया गया। उसके बाद उसका अर्थ समझ में आया कि एग्जैक्टली यह कहाँ से आया है, किस तरह से आया है, और इसी वजह से यह वर्ड ऑफ द ईयर 2022 बन गया। तो आप देखिए कि एक पजल गेम जो था वहां से एक शब्द आया और वह बन गया 2022 का एक बहुत ही खास चर्चित शब्द। आगे देखिए, हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 में भारत किस स्थान पर है? पांचवें स्थान पर है। अब इस सूची में क्या बात हो रही है? नाम क्या है? हुरून ग्लोबल 500। सूची में बात क्या हो रही है? विश्व की शीर्ष 500 सबसे मूल्यवान गैर राज्य नियंत्रित कंपनियां, ऐसी कंपनियां जिसमें सरकार का नियंत्रण नहीं है, ठीक है, निजी कंपनियां ही होंगी, सरकारी नहीं होंगी। भारत 9वें स्थान से इस बार 2022 में 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। और जो भारत की 20 कंपनियां ऐसी हैं जिनको इस सूची में शामिल किया गया है, 500 में से 20 कंपनियां भारत की हैं, ठीक है। और इसमें सबसे शीर्ष पर कौन है? अमेरिका है। पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2022 का विजेता राष्ट्र है, कौन है? इंग्लैंड है। आयोजन कहां हुआ था? आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। और विनर कौन है? इंग्लैंड है। और किसे हराया था? पाकिस्तान को हराया था। अब आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मिशन सोट, सोट क्या है इंग्लिश में क्या बोले? SWOT, अंतर्राष्ट्रीय मिशन सोट लॉन्च किया गया नासा और सेंटर नेशनल डिश एटीट्यूड स्पेटियल, नाम क्या है? CNES, ठीक है, CNES, CNS के द्वारा संयुक्त रूप से। तो यह जो है कहां का है? एक तो हो गया आपका नासा का, और दूसरा हो गया आपका फ्रांस का। ये दोनों ही संस्थाएं किससे संबंधित है? अंतरिक्ष से जुड़ी हुई संस्थाएं हैं, अंतरिक्ष के लिए कार्य करती हैं दोनों देशों की, अलग अलग, अमेरिका और फ्रांस की। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया है? यह मिशन लॉन्च किया है, अंतरराष्ट्रीय मिशन है। अब इसका लक्ष्य देखिए क्या है, कि दुनिया में पानी को ट्रैक करना है, जो पृथ्वी की सतह है, मतलब अंतरिक्ष में नहीं करना, दूसरे ग्रह में, पृथ्वी की सतह पर पानी को ट्रैक करने के लिए सरफेस वाटर एंड ओशन टोपोग्राफी, इसी से नाम क्या पड़ गया? SWOT, स्वॉट, ठीक है। प्रत्येक 21 दिनों में कम से कम एक बार 78 डिग्री दक्षिण और 78 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पृथ्वी की सतह को कवर करेगा। ये टेक्निकल बात है, लेकिन मुख्य बात आपको क्या पता होना चाहिए, कि जो पृथ्वी की सतह पर है वहां पर पानी को यह ट्रैक करेगा।
विभिन्न पानी के स्रोतों का पता लगाएगा अपने स्तर पर। ठीक है, आगे देखिए, देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया गया है। कार्बन न्यूट्रल फॉर्म कहां पे? केरल का एक सीट फॉर्म है। नाम क्या है देखिए? कार्बन न्यूट्रल फॉर्म। अब ये कार्बन न्यूट्रल फॉर्म का क्या मतलब है? एक ऐसा फॉर्म है, एक ऐसा खेत है जहां पर क्या होता है, कार्बन का उत्सर्जन जितना होता है उतना स्टॉक कर लिया जाता है। ऐसी व्यवस्था वहां पर बनी हुई है। अब आगे देखते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ आईओए की पहली महिला अध्यक्ष हैं पीटी ओषा। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं, याद रखिएगा, अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इनका चुनाव भी निर्विरोध रूप से हुआ है। 1960 के बाद पहली बार कोई खिलाड़ी भी बनी है अध्यक्ष। 1960 के पहले ही कोई खिलाड़ी इसका अध्यक्ष बना था, उसके बाद कोई खिलाड़ी नहीं बना था। तो पहली बार कोई खिलाड़ी 1960 के बाद और एक महिला भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनी। अब पीटी उषा के बारे में आपको दो तीन बातें पता होना चाहिए। 4 स्वर्ण पदक इन्होंने एशियाई खेल में जीते हैं और 7 रजत पदक भी जीते हैं। ठीक है, उसके बाद एशियाई चैंपियनशिप में देखा जाए तो 14 स्वर्ण, 6 रजत और 3 कांस्य पदक जीते हैं। 1984 में ओलंपिक में 400 मीटर बाधा दौड़ में फाइनल में ये चौथे स्थान पर रह गई थी, थोड़ा सा चूक गई थी, नहीं तो इन्हें पुरस्कार मिल ही जाता। अब आगे देखते हैं, भारत कजाकिस्तान के बीच हुए संयुक्त सैन्याभ्यास का नाम क्या है? काजिंद है, याद रखिएगा, भारत कजाकिस्तान के बीच हुआ संयुक्त सैन्याभ्यास काजिंद, लेकिन पहले इसका नाम यह नहीं था। काजिंद 2022 उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया, 6वां संस्करण है। और बात की जाए, पहले इसका नाम जो था 2016 में यह शुरुआत की गई थी संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण की, तो पहले प्रबल दोस्तिक था और बाद में अब इसका नाम क्या हो कर दिया गया, काजिंद कर दिया गया। आगे देखते हैं, तमिलनाडु के किस गांव को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है? अब जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अरिट्टापट्टी गांव को घोषित किया गया है। और ये कहां पर है, याद रखिएगा, जैसा नाम तमिलनाडु। जैव विविधता यहां पर पर्याप्त मात्रा में है, इस बात को ध्यान में रखते हुए वहां की राज्य सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि यह अरिट्टापट्टी जैव विविधता विरासत स्थल होगा। ठीक है, अब यहां पर पक्षियों की प्रजातियां बहुत ज्यादा हैं, जिसमें से 250 तो हैं ही, लेकिन उसमें से 3 पक्षी जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेगर फाल्कन, शाहीन बाज और बोनेली ईगल। अगला सवाल देखिए, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है किसने जीता है? सरगम कौशल ने जीता है, आंध्र प्रदेश की है, यानी कि आंध्र प्रदेश में वहां पर विशाखापट्टनम में टीचर है। अब यह अवार्ड क्या है? मिसेज वर्ल्ड 2022, मिस वर्ल्ड नहीं, मिसेज वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ, एक शादीशुदा महिला है और यह एक ऐसा ही ब्यूटी पेजेंट है जो शादीशुदा महिलाओं के लिए और पहला ऐसा पेजेंट है। और इसकी शुरुआत देखिए कब हुई थी, वर्ष 1984 में हुई थी। शुरू में इसका नाम क्या था, मिसेज अमेरिका, सिर्फ अमेरिका के लिए सीमित था, उसके बाद इसका विस्तार होता है और 1988 से यह नाम, 1984 के बाद 1988 आते आते इसका नाम क्या हो गया, मिसेज वर्ल्ड। ठीक है, अब आगे देखिए, जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से कितने लोगों को सम्मानित किया गया? 5 लोगों को। नीलेश देसाई को रचनात्मक कार्यों के लिए दिया गया। ठीक है, भील समुदाय के लिए, उत्थान के लिए वो काम कर रहे हैं। उसके बाद गुजरात के मनसुख भाई प्रजापति को पारंपरिक मिट्टी के बर्तन को मुख्य धारा में लाने के लिए, जिससे लोग उसका उपयोग करें। उसके बाद देखिए, उड़ीसा की सोफिया सैक को महिलाओं एवं बच्चों के विकास के कल्याण के लिए दिया गया। और उसके बाद एक लेबनान के डॉक्टर उगिरत यूनान और डॉक्टर वालिद सालियाबी को भी, भारत के बाहर की बात हो रही है, गांधीवादी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। 4 कैटेगरी में दिया जाता है, 4 लोगों को देखिए दिया गया, एक कैटेगरी में एक साथ दिया गया है 2 लोगों को भारत के बाहर के लिए। अब यहां पे देखिए, जमुना लाल बजाज पुरस्कार, जमुना लाल बजाज थे कौन, ये समझ लीजिए। पहले तो जान लीजिए कि ये जो फाउंडेशन है, इसकी स्थापना कब हुई, वर्ष 1977 में, और ये महात्मा गांधी के सहयोगी भी थे और करीबी थे, दत्तक पुत्र भी थे, यह बात आपको पता होनी चाहिए। इन्हीं की स्मृति में यह पुरस्कार शुरू किया गया है और इसमें 10 लाख रुपए का पुरस्कार भी मिलता है और उसके अलावा प्रशस्ति पत्र भी मिलता है। पाणिनि के 2500 वर्ष पुराने संस्कृत नियम को डिकोड किया है, किसने किया है, डॉक्टर ऋषि राज पोपत ने। ये कहां के छात्र हैं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी किस देश में है, दुनिया में। उसके बाद यहां पर देखिए, इन्होंने अपना जो अध्ययन है, जो अपनी थीसिस है, वह लिखी थी इन पाणिनि वीटरस डिस्कवरिंग द एल्गोरिदम फॉर रूल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इन द अष्टाध्यायी, ये शीर्षक से एक थीसिस लिखी थी। और इस थीसिस में
एक्चुअली जो पाणिनि की अष्टाध्यायी है 2000 साल पहले लिखी गई थी। अब ये कब लिखी गई थी? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत के आसपास लिखी गई थी। और यह है क्या? देखिए, 8 अध्याय में बनी हुई है पाणिनि। पाणिनि में कितने अध्याय हैं? 8। जो संस्कृत है और संस्कृत की व्याकरण है, तो ये संस्कृत की व्याकरण का एक पहला सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें संस्कृत की व्याकरण से जुड़े हुए नियमों को बताया गया है। तो यहां पर इन्होंने जो डिकोड किया है वो ये किया है कि कहीं पर जब संस्कृत का एक नियम है और संस्कृत के व्याकरण से जुड़ा एक और नियम है, और उन दो नियम को बनाने पर कुछ गड़बड़ हो रही थी कहीं पे, और उस गड़बड़ को इन्होंने उस नियम को, दो नियमों को मिलाने वाले नियम को, कहीं पे कोई ऐसी जगह आती जहां पे दो नियम को मिलाना पड़ रहा है तो वहां पे क्या, कैसे उसे सॉल्व किया जाएगा, क्या विशेष स्थिति होनी चाहिए, इस आधार पर उन्होंने यह जो समस्या थी उसको सॉल्व किया है। तो इन्होंने अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ा है, पाणिनि की ही बात को बेहतर तरीके से सामने रखा है, क्लियर किया है, स्पष्ट किया है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए, देश की पहली रियल टाइम गोल्ड डिस्पेंसिंग मशीन स्थापित हुई है। कहां पे हुई है? हैदराबाद में हुई है। हैदराबाद में गोल्ड डिस्पेंसिंग मशीन देश की पहली है, तो अपने आप में बड़ी बात है। रियल टाइम गोल्ड डिस्पेंसिंग मशीन, रियल टाइम गोल्ड डिस्पेंसिंग मशीन का क्या मतलब? देखिए, सोने का रेट बदलता रहता है, यह भी मशीन भी सोने के रेट के बदलने को मैच करती रहती है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के सिक्के उपलब्ध हैं, और 8 इस तरीके ऑप्शन है, मतलब 0.5, फिर उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, फिर 100 ग्राम तक का, और 5 किलोग्राम तक का सोना इस मशीन के माध्यम से निकाला जा सकता है टोटल ओवरऑल। तो यहां पे देखा जाए तो अब कैसे होगा, जैसे हम लोग एटीएम मशीन में जाते हैं ना, अपना हमने डेटा डाला, जो भी जरूरी जानकारी थी वो डाली, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का हमने जो भी डेटा डाला, और उसके बाद हमने सोने का सिक्का निकाल लिया। तो यह प्रक्रिया रहती है, और अभी तक में हमने अब 2 महीने का करंट अफेयर नवंबर दिसंबर का आज के वीडियो में जो भी महत्वपूर्ण था उस समय का, राज्य विशेष का और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का, वो हमने यहां पर कवर कर लिया है। तो यह दूसरा वीडियो था, सितंबर से लेके दिसंबर तक, यानी कि इन 2 वीडियो में हमने सारा वीडियो करंट अफेयर का कवर कर लिया है, स्पेशल रिविजन सीरीज का। तो मुझे पूरी उम्मीद है यह वीडियो आपके काफी काम आएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही लाभदायी होगा, और जल्द ही मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।